नमस्कार। आज बड़ी सौभाग्य का विषय है। सूर्या फाउंडेशन आदर्श गांव योजना के अंतर्गत इस कोरोना की महामारी समय वेबिनार के माध्यम से भारतीय परिवार के ऊपर आज हमारे बीच में विचार देने के लिए माननीय दिनेश चंद्र जी, आप विश्व हिंदू परिषद के वर्तमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य हैं एवं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सदस्य का दायित्व है एवं मार्गदर्शक के रूप में वर्तमान जिम्मेदारी है। आप मूलतः उत्तर प्रदेश अलीगढ़ जिले के छरा गांव का स्वयंसेवक हैं। का पढ़ाई भारतीय इतिहास और संस्कृति के ऊपर स्नातकोत्तर प्राप्त करने के बाद मथुरा महानगर से प्रचारक जीवन का शुरुआत हुआ 1968 मसीहा से। तब से लेकर आज तक संघ की प्रचारक के नाते अनेक जिम्मेदारी आपने निभाई है। उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक के नाते उस समय संपूर्ण प्रदेश का दायित्व लिए। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड संयुक्त क्षेत्र बना हुआ था संघ की दृष्टि से, उसका सह क्षेत्र प्रचारक के नाते आपने अति कुशलता के साथ अपना जिम्मेदारी निभाई है एवं कार्यकर्ता को मार्गदर्शन किए हैं। आपके समय 1990 में श्री राम जन्मभूमि की आंदोलन जब तीव्र गति में चल रहा था, उस समय भी आपने नेतृत्व लेकर उसको संभाला है। 2003 में आप उत्तर क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक के नाते जिम्मेदारी ली है, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर इसके अंतर्गत आते हैं। 2003 से लेकर 2008 तक आपने इसी क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता और सभी संगठनों को मार्गदर्शन अति कुशलता के साथ प्राप्त हुआ। 2008 में आपका विश्व हिंदू परिषद में पदार्पण हुआ। जिस समय आपने विश्व हिंदू परिषद में प्रवेश किए, उस समय पूरे देश में अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अंतर्गत एक बहुत बड़ी आंदोलन चल रहा था 100 एकड़ जमीन को लेकर। इसकी संपूर्ण जो संगठन को सफलता मिली, इसके पीछे आपकी मेहनत का परिचय मिलता है। 2009 से विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय आपकी महासंगठन महामंत्री के नाते आपने जिम्मेदारी निभाई है। वर्तमान हमारे बीच में आपका भारतीय परिवार के ऊपर विचार रखने के लिए हम अनुरोध करते हैं, कृपया आपका विचार हमारे बीच में प्रदान करें। सूर्या फाउंडेशन के अंतर्गत ग्राम विकास योजना के द्वारा प्रशिक्षण वर्ग में आयोजित इस आभासीय पद्धति से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, हमारी भारतीय संस्कृति अति प्राचीन है। विश्व में जितने भी देश हैं उन सबसे अति प्राचीन है हमारे देश की संस्कृति, और उस संस्कृति में एक बहुत बड़ा विशेष संस्कृति की विशेषता है परिवार, भारतीय परिवार। और भारतीय परिवार और अन्य देशों के परिवार के विचार में बहुत अंतर है। भारतीय परिवार में रक्त संबंध से जो संबंधित इस प्रकार के जुड़े हुए सदस्य रहते हैं, उन सबको मिलाकर के एक परिवार होता है। उसके कारण से माता पिता, बालक बालिकाएं, दादा दादी, काका ताई, ताऊ मौसी आदि, ये सब मिलाकर के एक परिवार माना जाता है। इनसे ही तमाम प्रकार से आने वाली जो संतति होती है, नाती पोती संतति आदि, कुल मिलाकर ये रक्त संबंध का विषय होता है। पूरे दुनिया के अंदर इस पद्धति से कहीं भी परिवार के परिभाषा के रूप में नहीं मानते। दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी युवा ने किसी युवती को शादी कर लिया, शादी क्या मतलब, संबंध, प्रेम संबंध कर लिया,
और बस रहने लगे, जब इच्छा हुई छोड़ दिया, वहाँ परिवार की कल्पना ही नहीं है। और इसलिए एक वाक्य प्रयोग ये भी हो जाता है कि किसी भी एक देहाती कहावत बन गई, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनवा जोड़ा, तो उससे ये परिवार नहीं बनता, कुटुंब नहीं बनता। रक्त संबंध से जुड़े हुए ऐसे सभी सदस्यों के द्वारा ही वो परिवार बनता है। और हमारे यहाँ वर्तमान में जिस प्रकार की व्यक्ति केवल पति पत्नी और बच्चे, इस परिवार का एक परिवार की कल्पना भी नहीं की। हमारे यहाँ परिवार माने ही संयुक्त परिवार, ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि संयुक्त परिवार, जिसमें तमाम जो रिश्ते हैं उन सबको मिलाकर रहने वाला, एक मकान के अंदर रहने वाला, एक छत के अंदर, इनका सभी का रहना सहना भोजन सब एक साथ बनता है, खाते पीते हैं, दुख सुख में एक दूसरे के सहभागी बनते हैं, एक दूसरे के विकास में सहभागी बनते हैं। ऐसा यह सहज संबंध संयुक्त परिवार की परिभाषा, आज शब्द जुड़ गया संयुक्त परिवार, परंतु परिवार यानी भारतीय परिवार यानी संयुक्त परिवार। और हमारी संस्कृति में तो परिवार को यहाँ तक ही सीमित नहीं रखा, इस सृष्टि में, इस धरती पर जितने भी मानव मात्र हैं सभी अपने परिवार के सदस्य हैं। इसलिए अपने यहाँ कहा संयुक्त उस कुटुंब को वसुधैव कुटुंबकम, इस धरती पर रहने वाला मानव मात्र से हमारे सदस्य हैं। मानव मात्र, प्राणी मात्र, जीव मात्र, पशु पक्षी, ये सभी परिवार के अंतर्गत आते हैं। अपने आज भी गांव में परिवारों में देखेंगे तो आज सब तो प्रयोग चल पड़ा है संयुक्त परिवार, लेकिन उस परिवार में कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, तोता मैना के या इस प्रकार के अनेक, और घर के अंदर तमाम प्रकार से जो मैंने छिपकली होगी, चूहा होगा, चींटियां होंगी, चींटे होंगे, ये सब उन सब की चिंता। चींटी को परिवार चुगाते हैं तो चीनी डालते हैं, पक्षियों को ऊपर पानी रखते हैं पीने के लिए, अन्न के दाने डालते हैं, घर में तुलसी का पौधा रहता है, अनेक प्रकार से बचपन से ही दादा दादी कहानियों के, माता पिता के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से संस्कार पढ़ते थे, अच्छी अच्छी कहानियों के द्वारा संस्कार दिए जाते थे। अपने यहाँ अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में व्यक्ति के जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत तीन वृक्ष की लकड़ी लगती है, लेकिन उसमें कहा गया कि एक व्यक्ति के द्वारा कम से कम 9 वृक्ष लगाने चाहिए अपने जीवन में, तिगुना। अर्थात जो आज पर्यावरण की समस्या है हमारे यहाँ, उसमें सहज रूप से कहानियों के माध्यम से, छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से धार्मिकता, संस्कार देने का विषय, दिनचर्या को व्यवस्थित रखने का विषय, समय से सब चीजों को पालन करने का विषय, बच्चों को पालने से लेकर और शिक्षा, कैसे किस समय पढ़ना, जगना, उठना, खाने के लिए भी आग्रह, इस प्रकार का यह सब विषय रहता था। कोई भी बीमार हो गया तो आज जो कठिनाई केवल पति पत्नी है, बच्चा बीमार हो गया कौन संभाले, उसमें से भी एक या दोनों नौकरी पे हैं, बच्चे को जन्म हुआ दाई संभालती है या पालने के स्थान पर उसको रख देती है, दोनों चले जाते हैं, उसके कारण से जो माँ का और पिता का प्यार मिलना चाहिए था, परिवारिक जनों का जो प्यार मिलना चाहिए था, बड़े होने के बाद जो उनका सम्मान करने का, आदर करने का, उनके प्रति समर्पित रहने का जो भाव जगना चाहिए, वो जगा ही नहीं। आज एकल परिवार की जो समस्या आ रही है, शादी के बाद बच्चे, बच्चे में भी फिर वो पढ़ाई के नाम पे बड़े बड़े दूर चले जाते हैं, भारत के अंदर भी, विदेशों में भी, और शादी के बाद फिर पति पत्नी दोनों अकेले टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। आखिर संयुक्त परिवार में इस प्रकार की कठिनाई नहीं आती?
जितने ही इस प्रकार के विषय रहते हैं, आज भी जहाँ जहाँ गांव में संयुक्त परिवार दिखते हैं, हंसते खेलते सब प्रकार के प्रसंग रहते हैं। कोई बीमार हो गया तो पूरा घर चिंतित होता है, सब उसके लिए अपना समय लगाते हैं, उसमें से उसके मन को रखाते हैं, दवाई समय पर देते हैं, तमाम बातें होती हैं। कोई बीमार पड़ गया तो एक दूसरे का काम संभाल लेते हैं, कहीं कोई कठिनाई आई तो सब प्रकार से संभाल लिया जाता है। मुझे प्रसंग ध्यान आ रहा है कि जिस समय में और एक 3 महीने के लिए विस्तारक गया था मैनपुरी शहर में प्रचारक निकलने से पहले, तो वहां पर जेठाराम जी सिंधी परिवार था, उनका संयुक्त परिवार था, कम से कम उसमें 35-36 सदस्य थे सब मिलाकर छोटे बड़े। स्वयं जेठाराम जी के भी 9 बच्चे थे, 5 लड़के 4 लड़कियां, और हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सामूहिक ढंग से खेलते हैं, कोई रोता है, कोई हंसता है, सब इस प्रकार का चलता था। शाखा के बाद संपर्क करने गए तो एक परिवार जो स्वयं पत्नी और बच्चे वाले थे, तो वहाँ आपस में खेल रहे हैं, फिर लड़ रहे भी हैं, फिर मना रहे हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के बच्चे। तो भाई क्या है ये सब, आपके घर में क्या हो गया भाई, ये बड़ी चिकचिकबाजी है बच्चों में यार, तो क्या है? तो उस जेठाराम ने कहा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? हमारे यहाँ एक बच्चा है। तो कि भैया तुम अपना संभालो, हमारा तो यही सुख है, बच्चे खेलते हैं, लड़ते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, सब दिन भर की थकान शाम को लौट के आते हैं, सब दूर हो जाती है। कोई चिपकता है, कोई एक हाथ से, कोई दूसरे हाथ से, तो उसमें से यह जो मानसिक संतुष्टि है, उसमें से ही फिर बच्चों का विकास भी है। आज एकल परिवार के अंदर बच्चों के विकास की कोई गुंजाइश नहीं। अपने एक जैन मुनि ने प्रसंग सुनाया कि पति पत्नी अकेले थे और बच्चा बीमार पड़ा, कुछ ही महीने का था, और जब डॉक्टर के पास गए तो पति तो अपना छोड़ करके डॉक्टर के यहाँ चला गया सर्विस पे। अब पत्नी अपनी अकेली बच्चे को डॉक्टर, कैसे इसको बचाओ, कैसे इसको बचाओ? तो वो जो जैन मुनि थे, उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार में सास साथ में आती थी बहू के बच्चे को लेकर के, और फिर बच्चों को समझाती थी, बहू को समझाती थी, डॉक्टर कहता था कि इसको भी नमूनिया हो गया, तो कैसे करो, इसको ठीक करो, 1 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, 2 दिन में ठीक होना है। माँ समझाती थी सास उसकी कि बेटा अब नमूनिया है, 4-6 दिन लग जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, तो उसको राहत मिलती थी। इस प्रकार के संयुक्त परिवार के विषय में अनेक बातें आती थी। एक जैन मुनि महाप्रज्ञ जी और जो पूर्व हमारे राष्ट्रपति कलाम जी, APJ कलाम जी, उनका मिलना हुआ, और मिलने पर उन्होंने जब एक परिवार का प्रसंग सुनाया, मेरठ से वो प्रवास पे आए थे, एक परिवार में गए थे, संयुक्त परिवार था, और संयुक्त परिवार में तो महाप्रज्ञ जी से परिवार का विषय छिड़ गया। जब महाप्रज्ञ जी ने पूछा कि भाई आप परिवार के संबंध में इतना सब बता रहे हैं, आखिर मैं हूँ संत जैनमुनि हूँ, मैंने भी शादी नहीं की, मुझे भी परिवार का इतना अनुभव नहीं, आप रहे ब्रह्मचारी तो आपको इतना कहाँ से अनुभव हो गया परिवार का? तब कलाम जी ने बताया कि मैं मेरठ से ही कल आया हूँ, और वहाँ मैं एक संयुक्त परिवार में गया था, और जिस समय मैं गया था तो उस परिवार में भजन चल रहे थे, सभी परिवार के सदस्य थे, आस पड़ोस के ही सदस्य थे, दूर का कोई नहीं था, और उसी में ही सब अपना वाद्य यंत्र, कोई तबला, कोई हारमोनियम, कोई कुछ, और सब बच्चे से बड़े तक सब महिला पुरुष एक साथ भजन में लीन थे। मैं भी वहां बैठ गया, और उसके बाद जब एक 15 मिनट के बाद फिर भजन वगैरह सब समाप्त हुए, और उसमें से सब परिवार के हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया, मैंने सबसे एक एक करके पूछना शुरू किया। तो सबसे पहले और ये जो तरुण थे,
उनसे पूछा कि तो भाई आप भजन में बैठे थे तो आपने तबला बहुत अच्छा बजा रहे थे, तो आप तबला किसके लिए बजा रहे थे? तो भगवान के लिए बजा रहे थे, भगवान को हम स्मरण कर रहे थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बजा रहे थे। बच्चों से पूछा तो भाई आपने बताया कि हम सुबह फूल तोड़ने जाते हैं, तो फूल तोड़ने के लिए जाते हो तो किसके लिए? कि भगवान के लिए। भजन सुनते हो तो भगवान का सुनते हैं। ऐसे करके सब सदस्यों ने से बात की और अंत में जो घर के मुखिया थे उनसे बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो ये भजन रखते हो रोज नित्य संध्या काल में, तो इससे आपको कि भाई सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान को समर्पित है, और इसलिए भगवान का स्मरण और सामूहिक जब हम स्मरण करते हैं तो उससे ईश्वर की कृपा हमको और अधिक मिलती है, ऊर्जा ऊर्जा और अधिक मिलती है, हमें संस्कार आते हैं, और सामूहिक सहज रूप से हंसते खोलते बोलते परस्पर सामंजस्य करते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हुए परिवार में सबका मन बनता है। इस प्रकार की समस्या रहती है। आज व्यक्तिगत परिवार की जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं उसमें भी सबसे बड़ी कठिनाई बच्चों की शिक्षा और संस्कार का कोई समय नहीं माता पिता पे। मैं एक नोएडा के परिवार में गया था जिस समय मैं उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक प्रचारक था, तो 4.5 साल की लड़की बोलना ही नहीं आ रहा है उसको। पूछा कि भैया क्या बात है, इसको बोलती नहीं? बहुत डॉक्टरों को दिखा दिया है, सब ठीक है, तंतु वगैरह जीभ पे, लेकिन फिर भी नहीं बोल पाती है। मेरे मन में आया कि मैं क्यों नहीं बोल पाती, अकेली बेटी थी, तो मेरे मन में आया कि मैं क्यों नहीं बोल पाती जब डॉक्टर कह रहे सब ठीक ठाक है। तो मैंने जब उनसे प्रश्न किया कि जब ये छोटी थी और इतनी बड़ी हो गई तो आप आखिर इनसे बच्ची से कितने घंटे बात करते हो, पति पत्नी दोनों, क्योंकि तो ये तो सर्विस पर चले जाते हैं, मैं अपने और कामों में लग जाते हूँ, तो जितनी बात होनी चाहिए उतनी तो नहीं करती। तो मान कि इसकी समस्या यही है, आप दोनों वो सर्विस में थे, हाँ तो दोनों सर्विस में थे, इसके कारण से मैंने कहा एक सर्विस छोड़ो, से जो सर्विस करे सुबह और शाम आकर के रात तक इस बच्ची से खूब बात करो, ये बोलेगी नहीं तो भी बात करो, खूब बात करो, कुछ भी बात करो, धीरे धीरे बोलना शुरू कर दे, और 6 महीने बाद फिर मुझे बताना। पत्नी ने नौकरी छोड़ी, दोनों ने मिलकर के खूब बातें की, 6 महीने में ही बच्ची ने बोलना शुरू कर दिया। यह है अकेलेपन की समस्या, जो आज एकल परिवार की समस्या है वो इस प्रकार की। ये समस्या धीरे धीरे कुछ तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी, तो गलत गलत निर्णय जो भारतीय संस्कृति के विपरीत हैं, विवाह से पूर्व भी स्वैच्छिक दोनों की इच्छा है तो शारीरिक संबंध कर सकते हैं, ये जो निर्णय लिया कोर्ट ने ये गलत है, समलैंगिक विवाह ये गलत है, ऐसे कितने ही और हमारे संस्कारों को बिगाड़ने वाले संस्कृति के विपरीत इस प्रकार के कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं गलत हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ फैमिली कोड ये कानून जो बना ये 1984 से पहले नहीं था, 1984 में पहले बना। तलाक के विषय 1999 से लेकर के और 2009 तक अर्थात 10 साल में 103% तलाक के केस हिंदू परिवारों में सामने आए, और जब उसका विश्लेषण करते हैं तो किनके हैं ये? गरीबों में, अनपढ़ों में, या जो संयुक्त परिवार है उनमें? बिल्कुल नहीं। ये जितने भी तलाक के प्रसंग आए हैं वह सब स्वयं जो एकल परिवार के रूप में रह रहे हैं, पति पत्नी और बच्चा है, क्योंकि तो पहले नारा था हम दो हमारे तीन, बाद
बाद में शुरू हो गया हम दो हमारे दो, अब हो गया हम दो हमारा एक, आगे चिंता का विषय है बोलो वही हम और हम ही और हम, एक विषय न रहे। फिर रोते हैं ऐसा, वो पांच पांच शादियां कर, चार चार शादियां करते हैं एक एक व्यक्ति, और फिर 25-25 बच्चे पैदा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अरे भाई दूसरे को दोष क्या दे रहे हो, हम खुद अपनी कमी देखें ना। ये जो समस्या क्यों ऐसा, घर में झगड़ा होता था, पति पत्नी में भी होता है, बेटा बाप में भी होता है, किसी में होता था, तो संयुक्त परिवार में समझाने वाले, उसको संभालने वाले हो जाते थे। अब पति पत्नी में झगड़ा हुआ कौन संभाले, समस्या यहाँ तक होती है। हमारे यहाँ तो कहावत है कि भाई जब चार बर्तन एक जगह रहते हैं तो टकराते ही हैं, परंतु हम आदमी हैं, हमको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, इसलिए महापुरुषों ने वाक्य प्रयोग किया, कभी टकराएंगे, परंतु इतना ध्यान रखना कि इतने जोर से न टकराएं कि आवाज पड़ोसियों को सुनने को मिले और हम हंसी के पात्र बने, ऐसा नहीं होना। इस प्रकार का यह जो और भी अनेक ऐसे एकल परिवार के अनेक कठिनाइयां हैं, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ तो संयुक्त माने परिवार को, परिवार में जितने सदस्य और पशु पक्षी घर के गाय भैंस से लेकर के तमाम, इतना ही नहीं है, तो हमारे यहाँ तो जो भी अपने परिवार को चलाने के लिए जुड़े हुए हैं उन सबको भी हम अपने परिवार का ही अंग मानते हैं। इसलिए ग्रामीण अंचलों में पहले तमाम नाई है, धोबी है, कुम्हार है, लोहार है, अनेक प्रकार के इस प्रकार के जब रहते थे, चूड़ी पहनाने वाले होते थे, तो इन सबको फसल आने पर दो दो बार तीन तीन बार फसल आती थी, सबको अपने अपने हिस्से देते थे, सबका एक दूसरे से प्रेम रहता था, जन्म से मरण से शादी ब्याह से अनेक प्रकार के सब, ये सब मिलाकर के परिवार। इतना ही नहीं है तो कितने ही इस प्रकार के आज अनुभव आते हैं कि भाई जो दो या एक के चक्कर में बहन भाई का रिश्ता खत्म हो, अब भाई लड़का है, हाथ राखी किससे बंधवाए, समस्या इसके कारण जो और कुटुंबों में संबंध होते थे, दादा दादी चा ताऊ ताई चाची मौसी आदि आदि, फूफा फूफा तमाम प्रकार के मामा नाना, तो ये रिश्ते भी खत्म हो रहे हैं, कभी इस पर कोई ध्यान नहीं देता। ये जितने भी आज परिवार टूट रहे हैं, तलाक की संख्या बढ़ रही है, ये सब कुछ जो हो रहा है वो अधिक पैसे वालों में है और अधिक पढ़े लिखे वालों में, गरीब में या संयुक्त परिवार में नहीं है ऐसा। इस प्रकार का यह बहुत दुखद प्रसंग है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार हमारा संस्कार देने वाला बचपन से रहता था, अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं जिसमें से हमारे यहाँ एक विचार इस प्रकार का कि भाई साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा न जाए, इसमें संतुष्टि थी, अर्थात अतिथि देवो भव। कोई दरवाजे पे आ गया, पहली रोटी गाय की है, आखिरी रोटी कुत्ते की है, आखिर मोहल्ले के सुरक्षा संभालते हैं कुत्ते भी। इस प्रकार का ये जो एक परिवार के संबंध में रहता था, ये व्यवस्था फिर से कैसे शुरू हो, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और अनेक इस प्रकार के विषय भी हैं, क्योंकि हमारा विद्या माने परिवार के देवालय भी है, और अच्छा भगवान का सामूहिक मंदिर होता था, सामूहिक सब प्रकार से भोजन बनता था, सब बैठ करके भोजन करते थे, इस प्रकार का सब होता। विद्यालय भी है, घर में कोई ना कोई बच्चों को पढ़ाते थे, जो पढ़ के आने के बाद सबसे पहले जो शिक्षा घर में माता पिता और परिवार के लोगों के द्वारा दी जाती थी, स्कूल तो वो 5 साल बाद जाता था, सामूहिक खेलते थे जिसके कारण से शारीरिक और मानसिक बल बढ़ता था। आज भी दुनिया के अंदर फिनलैंड का एक उदाहरण सामने आता है,
फिनलैंड में, भारतवर्ष में अब होड़ मची हुई है। 2 ढाई साल का बच्चा हो गया तो उसको भेज दो स्कूल, केजी, केजी में भी और कोई हो गया है, खेल केवल खेलने के लिए। यहाँ से 6 घंटे के लिए तो बाहर जाएगा। ये जो सोच बना है, फिनलैंड में कानून बना दिया कि 5 वर्ष से पहले कोई भी बच्चा स्कूल में दाखिल नहीं किया जाएगा। और मोहल्लों मोहल्लों में, गांव गांव में पार्क, खेलने के तमाम प्रकार के साधन, जिसमें बच्चे खूब खेलते हैं, खाते हैं, मस्त रहते हैं, उनका विकास होता है। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक, आज दुनिया के वैज्ञानिकों ने भी मान लिया कि यह जो एक 5-7 वर्ष की आयु होती है, इसमें बच्चा जो कुछ भी देखता है, सुनता है, धीरे धीरे पढ़ता है, तो उसका 35% मस्तिष्क का भाग, जो भी उसने देखा, सुना और पढ़ा, अच्छा सुना है तो अच्छा भर जाएगा, खराब और बुरा सुना है तो बुरे से भर जाएगा। अच्छे से भरा है तो आगे चल करके उसके जीवन में संस्कार प्रकट होंगे, कर्तृत्व प्रकट होगा, समाज के लिए उसके सहयोग की भावना रहेगी। बुरों से भरा है तो तमाम प्रकार की विकृतियां उसके अंदर आएंगी। ये वैज्ञानिक आज दुनिया के लोगों ने मान लिया। इसलिए हमारे घर में एक अच्छा संस्कारक्षम वातावरण, गांव या मोहल्लों के अंदर भी पूरा अच्छा वातावरण, इस प्रकार का सकारात्मक वातावरण रखने का प्रयास किया जाता था। गांव में कोई भी किसी का भी कोई भी टोकता था, अरे फलाने के तो उसका लड़का है, गाली दे रहा है, तो उससे बच्चे को समझ में आता था। इस प्रकार से गांव एक परिवार, इस प्रकार का ये जो वातावरण रहता था, उसके कारण से और पूरा बनता था गांव, संस्कार संस्कार देने का काम बनता था। ऐसे अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं उसमें रहती थी, खाने पीने की, भोजन है, भजन है, वेशभूषा का है, अरे पहनावा आदि, भाषा शालीनतापूर्ण भाषा का है, तमाम प्रकार के इस तरह के जो रहते थे, भवन का है, भ्रमण का है, सामूहिक जाते थे, अनेक इस प्रकार के सब विषय चलते थे। उसमें से तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं परिवार में रहती थी। उस सब के कारण से अनेक बातें और आती थी। और उसमें से आज जो एकल परिवार के लोग दुखी हो रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को अनुभव होने लगा है कि किस प्रकार से और हमारा परिवार अकेलेपन के कारण से एक तरह से अशांत, झगड़े, विकास रुक गया, तमाम प्रकार की बातें उसमें हो गई। और इसलिए जो तमाम हमारा जो घर जो आया है दरवाजे पे, उसको सेवा करने का समाज के हम एक अंग है। दुनिया के अंदर लोग कहते हैं कि समाज की इकाई व्यक्ति, हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहा गया। हमारे तो ग्रंथ कहते हैं बहुत साफ साफ, समाज की इकाई परिवार, परिवार परिवार मिलकर के ही समाज बना है। व्यक्ति से परिवार अकेले नहीं बन सकता, परिवार संयुक्त परिवार के आधार पर सब अनेक परिवार मिलके गांव और फिर मार समाज बनता है। और इसलिए समाज से हमारे को सब कुछ मिलता है। इसलिए हमारा कर्तव्य समाज को भी देने का होता है, देश के लिए देने का होता है। ये सेवा का भाव भी उसके कारण से जगता है। तो हमारा इस प्रकार का ये जो परिवार का भाव आना चाहिए उसमें से, और हमें ये भाव जगने की आवश्यकता है। सकारात्मक सोच के कारण से हमको आनंद मिलेगा, प्रसन्नता रहेगी। एक गुजरात के परिवार में जाने का तो वहां लिखा हुआ था, तामय प्रसन्न रहो, यानी तुम प्रसन्न रहो, नहीं तो डॉक्टर प्रसन्न रहेगा। अर्थात तुम प्रसन्न रहोगे तो रोग आदि तुम्हारे पास नहीं आएंगे, और तुम प्रसन्न ही नहीं रहोगे तो फिर तुम बीमार पड़ोगे, और डॉक्टर फिर तुम जाओगे डॉक्टर के पास इलाज कराओगे, तो उसी स्थिति में डॉक्टर प्रसन्न होगा? ऐसी स्थिति में
हमको प्रसन्न रहना है, ना कि डॉक्टर को प्रसन्न रखना है, प्रसन्न रखना है ना। तो इसलिए हम अपना जितना भी इस प्रकार का ये जो परिवार का विषय चल रहा है, फिर से हमको उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ये काम धीरे धीरे अब पढ़े लिखे और बड़े पैसे वालों के यहाँ भी, जहाँ अशांति इतनी बढ़ गई है, उनको भी विषय अब ध्यान में आने लग गया है। ऐसी स्थिति में पुनः संयुक्त परिवार की दिशा में, समाज की मानसिकता में अंतर दिखता है। उस स्थिति में हमको लगता है कि अगर इस प्रकार से संघ विचार परिवार कुटुंब प्रबोधन का विषय लेकर आगे विषय बढ़ा रहा है, सूर्या फाउंडेशन इस प्रकार से ग्राम विकास और परिवार के विषय को लेकर के आगे बढ़ा रहा है, निश्चित रूप से उसमें से यह विषय फिर से समाज में तेजी से जाएगा और निश्चित रूप से यह समय विषय समाज में अपना स्थान, जो भारतीय परिवार अर्थात आज की भाषा में संयुक्त परिवार यह जो विषय आ गया है, इसमें आकर के और सुख शांति समृद्धि के रूप में रहेगा। निश्चित रूप से ऐसा मुझे लगता है।